मैं जगदीश कुमार शर्मा, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 2। आज जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं मुबारक मंडी, वहाँ पे हमने पुरानी जो लाइब्रेरी थी उसकी जगह पे एक कैफेटेरिया जो हेरिटेज लुक देगा वो बनाना शुरू किया है। और साथ में जो ये स्मार्ट सिटी के जो है उसकी तरफ से बनाया जा रहा है, इसमें हमारे जो ऑफिसर थे जैसे सुनील तुसू जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर JPSL और साथ में सुनील टुसू प्रोजेक्ट डायरेक्टर JSEL और कर्नल तरुण शर्मा GM विवेक चोपड़ा AA JSEL, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये 3,14,00,000 रुपये का है। ये हमें हमारे लोगों के लिए ये बन रहा है क्योंकि यहाँ पे काम होगा और लोग बाहर से हमारी जो ये धरोहर है इसको देखने के लिए आएंगे। और साथ में मैं अपने ये आज बड़ा खुशी का मतलब खुशी की बात है जो ये काम शुरू हो रहे हैं, मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए LG साहब से करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो। और साथ में जो काम जैसे बाजारों के काम है, एक तो सर जो ये कैफेटेरिया बन रहा है, ये कैफेटेरिया में एक्चुअल में लोगों को खाने में क्या क्या मिलेगा? ये एक फास्ट फूड टाइप होगा या इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी लोगों को? ये डोगरी कल्चर का प्रमोट करने के लिए, डोगरी कल्चर को प्रमोट करेंगे। जैसे महाराजा के टाइम पे जैसे फूड होते थे जो डोगरी खाने हैं हमारे, वैसे ये यहाँ पे खाने मिलेंगे जो सुनने में आया है। तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये भी रहेगा जी, एक जम्मू का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये भी रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, डोगरी कल्चर। तो इसके साथ ही मैं अपने गवर्नर साहब LG साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई काम तो ठीक हो रहे हैं पर उसके साथ साथ लोगों का भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है दोनों तरफ से। इसके लिए भी जो हमारे एरिया के लोग हैं, वार्ड नंबर 2 के लोग हैं, उनका मेन रास्ता यही था और आज ये बंद है, उनको जाने की बड़ी दिक्कत होती है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है। ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए क्योंकि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सफ़र ना करें, जल्द से जल्द उसका रोड का भी कोई प्रोविज़न जो मैंने सुना है कि बनना है वो इमीडिएटली वो बनना चाहिए। बाज़ार को भी रास्ता बंद हो गया है और जो बाज़ार है उसमें भी काम नहीं चल रहा, इसी करके क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से बंद है, कोई पार्किंग है नहीं। तो इस करके मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है इसको भी पॉसिबल किया जाए और जल्दी से जल्दी जो मेरे काम और हैं, जो मैं अपने जो परिवार के लोग मेरे साथ थे, जो मेरे साथ छाना बिछाना चलते हैं और मेरा परिवार है, उसके लिए मैं तहे दिल से काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं उस जो मैंने इनके साथ वादा किया है उसमें खरा उतरूँ। और जो काम इंटरनल में रुके हुए हैं JMC के, मैं कमिश्नर और मेयर साहब को भी कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि भाई वो जो काम रुके हुए हैं और गलत काम ठीक ढंग से नहीं हो रहे और क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा, उसको भी ठीक कीजिए और ये लोगों को राहत मिले और मतलब जल्दी से जल्दी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार हो और हमारे लोग देखें, हमारे बच्चे यहाँ पे देखें सारा। तो यही मैं कहता हुआ सर, मैं आपसे आगे एक बात पूछ रही थी, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 के खुद आप कॉरपोरेटर हैं, तो यहाँ पे कौन से नए विकास का अरेंज स्टार्ट होने वाले हैं अभी आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि पहले होने चाहिए, पहले लोगों ने आपको वोट देके यहाँ पे आपको रखा पहले है? पहले मैंने यहाँ पे टूटियाँ वार्ड ऑफिस और वो डिस्पेंसरी और क्या ड्रेन का काम था एक नीचे, वो आधा काम किया हुआ है, पूरा काम नहीं कर रहे और वो क्वालिटी वर्क भी नहीं है और जितना हमें मैप पे नक्शा दिया गया था वो कंप्लीट नहीं है। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, LG साहब से भी कहता हूँ, अगर कहीं कोताही बरत रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, जो इसके में जिम्मेदार है उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर सर वार्ड नंबर 2 के लोगों की मैं बात करूँ, वार्ड नंबर 2 के लोगों ने आपको वोट दिया है ये सोच के कि हमारी जो कठिनाइयाँ उनका हल होगा, जो हमारे गली है मोहल्ले हैं उनका काम होगा, क्या आपके हिसाब से काम उस गति से हो पा रहा है?
नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसका इसका जिम्मेवार सर कौन है, किसको मानते हैं आप? ये इसका जिम्मेवार मैं है, मैं पहले को मेयर साहब को मानता हूँ, जिन्होंने जो फादर ऑफ सिटी है उनका काम है ये कि भाई सारे एरिया को देखना, सब वार्डों को देखना, और वो इतना काम मतलब गलत कर रहे हैं। यहाँ टूटियाँ बन रही हैं, 3 साल हो गए टूटियाँ बनते हुए, वार्ड ऑफिस बनते ही 3 साल हो गए मुझे, और इतना मैं इसके लिए फाइट की है मैंने, बड़ी मुश्किल से ये काम शुरू करवाया था, और वो भी कंप्लीट नहीं। पीछे पहाड़ी है, वो वहाँ से पूरी पहाड़ी गिर सकती है नीचे, सरपुर रोड है, उसको भी इन्होंने नहीं बना रहे, और साथ में जो डिस्पेंसरी है यहाँ पे, डिस्पेंसरी है वहाँ काम शुरू करे 2 साल हो गए, वो भी कोई नहीं हो रहा, और जो नालियाँ बना रहे हैं उसमें जंगले नहीं लगा रहे, जंगले यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है जो नीड है, बस ये इन्होंने इतना ही करप्शन है, कोई हिसाब नहीं है इनका। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर मैं इसको ACP जो हमारा डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन ब्यूरो में होना चाहिए, इसको उनको एक्शन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप इस बात को मानते हैं कि जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पा रहा वार्ड नंबर 2 में? ये मुझे लगता है ये पॉलिटिकल भी इनकी साजिश है, और ये काम मतलब करवाना नहीं चाहते, और सही ढंग से नहीं हो रहा, जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा काम नहीं हो रहा, और मैंने इसमें कई बार सभी ऑफिसर को, जैसे अपना एक्सन साहब है, कमिश्नर साहब है, और अपना JCW है, और मेयर साहब है, सबसे बात की है, अभी भी काम चल रहा है पर बिल्कुल सही तरीके से नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, इसके लिए मैं आया हूँ। मैंने अपना पहले प्रण लिया था, मैंने जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे लोग मतलब मीडिया वालों ने पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि आप सोच कैसी रहेगी, मैं कहता था कि भाई जवाबदेही पहले, यहाँ पर मैं जवाबदेही मांगता हूँ, मुझे जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है, और ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं ये मुझे नहीं पता कैसे मिले हुए हैं, जो ये एक्शन नहीं करते, मेरे कहने के ऊपर भी उपरांत भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं करते। सर वार्ड नंबर 2 की मैं गलियों की बात करूं, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे गलियों में जिन नालियों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी उनको तोड़ दिया गया, और जो पहले तोड़ के ठीक ही थी उनको भी तोड़ दिया गया, तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस विषय में जो प्री कास्ट नाली मेरे वार्ड में, सभी कहते थे कि जो मेरा वार्ड है उसमें प्री कास्ट नाली, मैंने प्री कास्ट नाली के लिए कहा था, जो इन्होंने 35 लाख के प्रोजेक्ट बनाए उसमें सारे गलत हैं, वो मेरे पास सारे पड़े हुए हैं एस्टीमेट, ड्रेन और लेन का रखा हुआ है, लेन बन रही है, ड्रेन बन रही है और लेन नहीं बन रही, और साथ में वो क्वालिटी नहीं बन रही, बोल्डर बन रहे हैं उसमें, उसमें जो ऊपर जंगले हैं वो उठा के ले जाते हैं, हम मांगते हैं डिपार्टमेंट से तो हमें नहीं मिलते, मैकेनिकल वालों ने पहले हमने 3 साल वो लगाते रहे, बाद में वो मुझे कहते हैं कि हमने इसको जमा करवा दिया, मुझे नहीं पता कहाँ जमा करवाया, इसकी हमें जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि भाई बिल्कुल साफ तरीके से काम होना चाहिए। क्या इस विषय में आपने कंसर्न अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कोई जवाब मिला ढंग का आपको? मैं हाउस में भी इसको डाला था, उन्होंने अभी तक देखा नहीं उसको, और सभी अधिकारियों से बात की है, JEE से लेके कमिश्नर से बात हुई है। कोई आप कुछ आश्वासन कुछ कहा उन्होंने आपको इसके बारे में? वो कहते हैं हम आएंगे, आज कल मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं अच्छा आएंगे, हम आप फोटो भेजें, मैं फोटोग्राफर थोड़ी रखा है, उन्होंने मतलब इतनी धांधली है कोई साहब नहीं इसका, LG साहब को वो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, इसके लिए ज़रा संजीदा हो और साथ में जल्दी इस पर एक्शन नहीं होगा तो मैं इसके लिए और प्रोटेस्ट कर लूँगा। जय जम्मू, जय भारत, जय डोगरी।